पिछले दिनों टीआरएस कॉलेज में हुए नितिन गोली कांड को लेकर शनिवार को भी दिखा छात्रों में आक्रोश। आरोपी की गिरफ्तारी और कॉलेज में चौकी निर्माण को लेकर धरने पर बैठे छात्र। विगत दिनों टीआरएस कॉलेज में नितिन सिंह गहरवार नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोपी वैभव ठाकुर अभी तक फरार है। पुलिस के द्वारा किए गए सारे प्रयास अभी तक असफल साबित हुए, जिससे बौखलाए छात्रों ने शनिवार को कॉलेज के गेट के बाहर बैठकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। हम आपको बता दें कि टीआरएस कॉलेज में होने वाली घटनाओं ने आज शहर के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस युवक को हम आप राष्ट्र का निर्माता कल का भविष्य समझते हैं, वो किस कदर गुनाहों के दलदल में धंसता जा रहा है और एक निर्दोष की जान तक ले सकता है और उसके बाद भी उसे अपनी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं। नितिन की हत्या के इतने दिन बीत जाने पर भी कॉलेज प्रबंधन की आंखें नहीं खुली और ना ही अभी तक उन्होंने अपनी गलतियों से कोई सीख ली है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपनी सुरक्षा के ताक पर रखकर कॉलेज परिसर में प्रवेश करते हैं, पर कॉलेज प्रबंधन अभी भी चुप है। नितिन की मौत ने सभी को इतना डरा दिया है कि विद्यार्थी कॉलेज में चौकी की मांग कर रहे हैं और वो जायज भी है। नितिन की हत्या के मुख्य आरोपी वैभव ठाकुर पर रीवा एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है और उसकी तलाश में हर संभावित जगह पर दबिश दी जा रही है। मांगे हैं कि सबसे पहले इसको दुरुस्त व्यवस्था कराई जाए। लाचारित में कॉलेज की व्यवस्था है कि बाहर के लोग आके और कॉलेज के अंदर आके गोली चला के चले गए। आज हमारे बीच में नितिन भाई नहीं है और तत्काल ये फाउंडेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कॉलेज में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाया जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ 3 बैच लगते हैं, तीनों बैच में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज टीआरएस कॉलेज बंद है। नितिन सिंह की हत्या के बाद 27 मार्च को जो हुई है उसकी मांगों को लेकर हम सभी छात्र एकत्रित हुए हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम छात्र यहाँ से उठेंगे नहीं और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। उनका कुछ कॉलेज प्रबंधन से ऊपर ना रखो भैया, कुछ मामला है, कुछ शिकायतें हैं और कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उनको कुछ समस्याएं उनके द्वारा बताई जा रही हैं, समझाइश दी गई है। और कॉलेज बंद तो कोई नहीं है, जो बच्चे एग्जाम या कुछ भी क्लासों में जाना चाह रहे हैं, परीक्षा देना चाह रहे हैं या पढ़ने जाना चाह रहे हैं वो आ जा रहे हैं। और ये जो बच्चे बाहर बैठे हैं इनका कहना है कि हम कॉलेज प्रबंधन से प्रिंसिपल से मिलके और अपनी पूरी समस्याएँ बताना चाहते हैं। जो समस्या होगी अपने बता रहे हैं उसमें कार्य प्रबंधन विचार कर रहा है। इनाम 10,000 रुपये घोषित हो गया है और उसकी तलाश में लोग रात दिन जुटे हुए हैं, कई टीमें लगी हुई हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें पूरा हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं और जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे।